वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज के इस वीडियो में 25 और 26 मार्च के बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो के लिए बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीयू अन्य सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के वीडियो को आप देखने का आदत बनाइए। रोजाना सुबह ये चैनल पर अपलोड होता है, इसे देखिए और इसका वीडियो डाउनलोड कीजिए। इससे आपकी तैयारी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। इस श्रृंखला के सभी वीडियो को आप देखिए, मैंने प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को अरेंज किया है। आप वहां पर जाइए प्लेलिस्ट में और सभी को देखिए। चलिए, पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रत्येक वर्ष विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर था कि प्रत्येक वर्ष विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और इस वर्ष का जो इसका थीम था यह था आई लव स्पैरो, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं सभी प्रश्न यहाँ पे आपको बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उन्हें भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आपको देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आपको आंसर कमेंट करके बताना है। चलिए पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड मिला है। हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है, यह प्रश्न। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज वाजपेयी। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनोज वाजपेयी को नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 में उनकी फिल्म भोंसले के लिए बेस्ट एक्टर पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है। ये ध्यान रखिएगा आप, ये मनोज वाजपेयी जो है ये बिहार के रहने वाले हैं और ये बॉलीवुड में एक अभिनेता के तौर पर काम करते हैं। और अभी हाल ही में जो 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया 2021 में, ये 2019 वाला ये अवार्ड था, ये ध्यान रखिएगा 2019 वाला अवार्ड था, जो कि मतलब कोरोना के कारण ये लेट हुआ था, तो अभी ये दिया गया है। और इसमें भोसले फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मनोज वाजपेयी को। ये ध्यान रखिएगा, मनोज तिवारी नहीं बल्कि मनोज वाजपेयी। तो सही उत्तर जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनोज वाजपेयी। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। हाल ही में लक्ष्मी मोहपात्रा का निधन हो गया, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। लक्ष्मी मोहपात्रा का निधन हुआ है, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था, तो ये नृत्य क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। हाल ही में ओडिसी नृत्यांगना लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ध्यान रखिएगा, 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, ये उड़ीसा के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, नृत्य। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कितने ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है। प्रश्न काफी अच्छा है और इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन अभी हाल ही में बिहार में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है बिहार में, और इससे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी अपने मुकदमे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और इसके साथ ही ई फाइलिंग की भी सुविधा उपलब्ध होगी। ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में बिहार में 3 ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस पैरा एथलेटिक्स ने पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। बिहार के किस पैरा एथलेटिक्स ने पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंहराज। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में खेले जा रहे पैरा शूटिंग विश्व कप में भारत के पैरा एथलेटिक सिंहराज ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार में जितने भी परीक्षाएं, खास करके जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, सभी के दृष्टिकोण से ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी को आप नोट डाउन कीजिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अगर आप इसका पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर सकते हैं तो आप इसका नोट जरूर तैयार कीजिए, और जो भी चीजें मैं यहाँ पे बोलता हूँ या फिर यहाँ पे जो लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वो सभी चीजों को नोट कीजिए। ये आपके लिए निसंदेह ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स जो होता है ये बीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, करंट अफेयर्स का उस एग्जाम में काफी ज्यादा अहम रोल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बढ़ेंगे पांचवें नंबर प्रश्न पे। हाल ही में बिहार के किस जिले के छात्रों द्वारा तैयार किया गया एक एयर वाटर जनरेटर को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। किस जिले के, यानी कि बिहार के किस जिले के छात्रों द्वारा तैयार किया गया एयर वाटर जनरेटर को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है, तो अभी हाल ही में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। हाल ही में बिहार के गया जिले के एक स्कूल अटल टिकरिंग लैब में स्कूली बच्चों के द्वारा यह तैयार किया गया, जिसका नाम है एयर वाटर जनरेटर, जिसके द्वारा हवा की नमी से पानी तैयार किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, गया के एक स्कूल अटल टिकरिंग लैब में बच्चों द्वारा एयर वाटर जनरेटर बनाया गया, जिसके द्वारा हवा की नमी से पानी तैयार किया जा सकता है और इसे सरकार द्वारा मंजूरी भी मिल गई है। ये ध्यान रखिएगा, बिहार के गया जिले में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई।
इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड निम्नलिखित में से किसे मिला है? हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड निम्नलिखित में से किसे मिला है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है ये कंगना रनौत को मिला। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में 67वें फिल्म पुरस्कारों की घोषणा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा की गई, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत तथा बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड छिछोरे को मिला है, जो आप सभी को पता है, जो कि इसमें सुशांत सिंह राजपूत जो कि मेन लीड रोल में थे। तो ये सभी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार के प्रति स्कूल सर्वाधिक नामांकन करने वाले जिलों में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शीर्ष पर है? देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब कि किस जिला में जो मतलब स्कूल में जो नामांकन होता है तो वहां पर नामांकन की संख्या सर्वाधिक है। एक बार मैं पुनः प्रश्न को पढ़ रहा हूँ कि बिहार में प्रति स्कूल यानी कि स्कूल वाइज सर्वाधिक नामांकन करने वाले जिलों में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो बिहार में इस श्रेणी में मतलब कि सीतामढ़ी जिला पहले स्थान पर है सर्वाधिक नामांकन करने में। तो बिहार में प्रति स्कूल सर्वाधिक नामांकन करने वाले जिलों में प्रथम स्थान पर सीतामढ़ी जिला है। वहीं इनमें सबसे न्यूनतम स्तर पर मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर में सबसे कम मतलब नामांकन हुआ है। राज्य के सरकारी स्कूलों में 10 मार्च से 20 मार्च तक 59,516 स्कूलों ने 21.81 लाख बच्चों का नामांकन किया है। ये जो आंकड़ा है ये सरकारी स्कूल के बारे में है, ये ना कि प्राइवेट स्कूल के बारे में, ठीक है? तो सरकारी स्कूल के बारे में ये आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूँ पेड ग्रुप के बारे में, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कॉल पे बताइए कॉल पे बताइए, तो सभी को कॉल पे बताना मतलब उतना पॉसिबल नहीं है। आप लोग मैसेज में मैं बहुत लोगों का जवाब देता हूँ, और यहाँ भी आप देख लीजिए अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कॉल जरूर कीजिएगा। तो ये जो पेड ग्रुप है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टेस्ट सीरीज, जो कि आपको बीपीएससी जो कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ के लिए होगा। यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज मंथली करंट अफेयर्स जो कि बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित विश्लेषण सहित ये करंट अफेयर्स मिलेगा, एमसीक्यू होगा, उसका डिस्क्रिप्शन होगा, सभी चीजें यहाँ पर आपको सम्मिलित रूप से तैयारी करवाई जाएगी यहाँ पर आपको। उसके बाद संपूर्ण बिहार जीके मिलेगा, मतलब बिहार जीके आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, और बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि पिछले वर्ष का जो पीडीएफ था करंट अफेयर्स का वो भी दिया जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न है जो मतलब आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, तो इसे भी देख लीजिएगा अगर आप ज्वाइन करेंगे। उसके बाद ये जो पीडीएफ है प्राचीन इतिहास और विश्व इतिहास का ये भी मिलेगा, और आने वाले जो भी पीडीएफ है आपको यहाँ पर इस पेड ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगा, और इसका जो कीमत है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरी बात रही कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर मुझे पेड ग्रुप को मतलब ये जो टेस्ट सीरीज वाला है टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका करंट अफेयर्स चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स पे काफी ज्यादा डिमांड था हमारा पिछले वर्ष, जिस प्रकार से आप देखें बीपीएससी एग्जाम में कि हमारे करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ जो था उससे काफी ज्यादा प्रश्न आया था। तो उसी के डिमांड पर यह भी मतलब तैयार किया गया है कि अगर आप लोग में से कोई अगर ऐसा चाहे कि सिर्फ करंट अफेयर्स लेना है तो उसके लिए यहाँ भी एक नया प्लान है जो कि मेंबरशिप 2 होगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पूरे एक साल तक के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो ग्रुप है पेड ग्रुप हो गया या करंट अफेयर्स का मेंबरशिप हो गया, सभी का जो मतलब वैलिडिटी है ये एक वर्ष का है। एक वर्ष मतलब एक बार पेमेंट करना और एक वर्ष के लिए आपको सभी चीजें मिलती रहेगी निरंतर। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो 8वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा, हाल ही में शहीद दिवस जो मनाया गया है ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर डी 23 मार्च को। आपको इसके बारे में मैं डिटेल बता दूं कि हाल ही में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया है। 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, और उनकी इसी शहादत की स्मृति में प्रति वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात आई है शहीद दिवस से तो कई सारे मतलब स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं शहीद दिवस के बारे में, क्योंकि भारत में जो शहीद दिवस है सिर्फ 23 मार्च को ही नहीं मनाया जाता है। इसके बारे में ये डिटेल में जानते हैं शहीद दिवस के बारे में। देखिए, शहीद दिवस जो है अभी जो मैं ये क्वेश्चन पूछा, हालांकि इसका उत्तर तो होगा 23 मार्च, ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसके बारे में आपको बता दिया हूँ। अब यहाँ पे जानते हैं कि 23 मार्च के अलावा कब कब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, भारत में शहीद दिवस को एक साल में अलग अलग दिनों पर मनाया जाता है, जिसमें सबसे मुख्य जो है यह है 30 जनवरी, 23 मार्च, 21 अक्टूबर, 17 नवंबर और 19 नवंबर। इनके अलावा भी है कुछ, वो ध्यान रखिएगा, मैं आपको बात बताऊंगा। तो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ये पहला हो गया, जो भारत के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी उनकी पुण्यतिथि के रूप में। आप सभी को पता है कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का देहांत हुआ था, जो कि नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या की गई थी गोली मार के। तो उन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी को। चलिए, उसके बाद जो दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट है ये 23 मार्च के बारे में। तो 23 मार्च के दिन भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने के रूप में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी में है कि अंग्रेजी शासन की हुकूमत के खिलाफ
आवाज बुलंद करते हुए इन्होंने यानी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल के विरोध में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई थी, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट डेट है ये है 21 अक्टूबर, तो 21 अक्टूबर के दिन साल 1959 में केंद्रीय पुलिस बल के जवान लद्दाख में चीनी सेना के एक एम्बूश में शहीद हुए थे और इसी कारण 21 अक्टूबर को भी पुलिस की ओर से शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट डेट आता है 17 नवंबर, तो 17 नवंबर को लाला लाजपत की स्मृति में उड़ीसा में शहीद दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिए। और उसके बाद इसके अलावा जो नेक्स्ट डेट है ये है 19 नवंबर को, तो इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन के दिन 19 नवंबर को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। आई होप कि आपको यहां से कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपसे ये प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछ लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि शहीद दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है, और यहीं पे आपका जो चार ऑप्शन होगा 30 जनवरी, 23 मार्च, 21 अक्टूबर, 17 नवंबर, और इसके बाद इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक, वहां पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे, आपको लगेगा कि 30 जनवरी सही है, आपको लगेगा कि 23 मार्च सही है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ई को भी ध्यान में रखना है, ये चीजें मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये आपके लिए एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के लिए नटराजन सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सलिल सुधाकर। हाल ही में बिहार के सलिल सुधाकर को नटराजन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। सलिल सुधाकर एक नाटककार, अभिनेता और पत्रकार हैं, जो कि 25 मार्च को इन्हें कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा द्वारा सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ललित सलिल सुधाकर, ये नाम आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशुओं के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में पशुओं के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने की घोषणा की गई, तो ये जो घोषणा की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगमोहन रेड्डी के द्वारा आवारा जानवरों की मदद व उनकी इलाज के लिए भारत का पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का घोषणा किया है, ये ध्यान रखना। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आवारा पशुओं की मदद करने व उनकी इलाज करने के लिए ये योजना शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। चलिए यहाँ पर बात आई है आंध्र प्रदेश की, ये मैप में आप देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश की स्थिति है। आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है और क्षेत्रफल के अनुसार यह भारत का चौथा सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य है। ये सभी फैक्ट जो है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबा जो समुद्र तट है आप सभी जानते हैं ये गुजरात का है, और वहीं पर अगर दूसरे स्थान की बात किया जाए तो राज्य श्रेणी में दूसरे स्थान पर समुद्र तट के मामले में आंध्र प्रदेश का नाम आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक रूप से आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, और यहाँ की फसल का 70% से ज्यादा हिस्सा चावल होता है। इन सभी चीजों को आपको नोट करना है और ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था ये 1 अक्टूबर 1953 के हुआ था, तो ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसकी जो राजधानी है वर्तमान में 3 राजधानी है, विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती। राज्यपाल अभी जो वर्तमान में है ये विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है और मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। यहाँ पे अगर जिलों की संख्या की बात किया जाए तो 13 जिले हैं और राज्य भाषा जो आंध्र प्रदेश की है ये तेलुगु है। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस प्रश्न से आपको मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल संसाधन के क्षेत्र में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है। हाल ही में जल संसाधन के क्षेत्र में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जापान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच हुए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जापान। चलिए इस बात यहाँ पे बात आई है जापान की, तो जापान से संबंधित फैक्ट को देख लेते हैं। ये जापान का राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये ध्यान रखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जापान अगर पूछा जाए कि किस महाद्वीप में है तो ये एशिया महाद्वीप में है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है, जो कि ये द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके निकटतम पड़ोसी देश जो है ये चीन, कोरिया तथा रूस है, ये ध्यान रखना आपको। जापानी अपने देश को निप्पोन कहते हैं, जिसका मतलब होता है सूर्योदय का देश। आप सब जानते हैं ये क्वेश्चन भी है, पूछा भी गया है, सूर्योदय का देश जो कहा जाता है ये जापान को कहा जाता है। जापान की राजधानी है टोक्यो और प्रमुख धर्म जो यहाँ की है ये बौद्ध धर्म है। लगभग 96% जो आबादी है ये बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे राजभाषा जो यहाँ की है ये जापानी है। सम्राट जो भी वर्तमान में है ये नारुहितो। प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा। विधानमंडल जो यहाँ कहलाती है ये राष्ट्रीय डायट कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है।
यहाँ की जो जापान की जो विधानमंडल है इसे राष्ट्रीय डायट के नाम से जाना जाता है। अति महत्वपूर्ण है ये फैक्ट। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने गांधी शांति पुरस्कारों का ऐलान किया है और इनमें बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान की गई है दी गई है। ये ध्यान रखिएगा 2020 का गांधी शांति पुरस्कार अभी हाल ही में शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। यहाँ पे बात आई है किसकी? ये बांग्लादेश की बात आई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा गया था कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, तो यहाँ पर बात आई है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। बांग्लादेश गणतंत्र दक्षिण जम्बू द्वीप में का एक राष्ट्र है और इसकी सीमा रेखा उस समय निर्धारित हुई थी जब 1947 में भारत के विभाजन के समय इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जो कि पाकिस्तान का पूर्वी भाग घोषित किया गया था। बांग्लादेश दुनिया में आठवां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यहाँ का जो राष्ट्रगान है ये है अमार सोनार बांग्ला। राजधानी है ढाका, जो कि देश का सबसे बड़ा नगर है। और यहाँ की जो मुख्य भाषा है यह है, राष्ट्रीय लैंग्वेज जो है ये है बांग्ला। यहाँ के जो प्रमुख धर्म है ये मुस्लिम है, जो कि राष्ट्रीय धर्म है। उसके बाद जो छोटे धर्म है, मतलब कि जिनकी संख्या कम है मानने वाले लोगों की, उनमें हिंदू बौद्ध और ईसाई भी शामिल है कुछ स्तर पर। उसके बाद यहाँ की जो प्रधानमंत्री है ये शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद और यहाँ की जो मुद्रा है ये है टका। इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन यहाँ ध्यान रखिए, ये मैप में है बांग्लादेश और ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था जापान के बारे में। ठीक है, जापान देखिए, जापान में ये व्हाइट पट्टी है और व्हाइट पट्टी के बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि डार्क में रेड का ही मतलब कलर है, कॉम्बिनेशन है, तो ये इस तरह का है, देख रहे हैं गोल सर्किल में बना हुआ है। अब यहाँ पे जब इसका भी देखेंगे तो सिर्फ ये पट्टी सिर्फ जो है ये ग्रीन हुआ है, हल्का डीप ग्रीन टाइप का है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए डेनमार्क से समझौता किया है? किस राज्य ने हाल ही में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है? ये समझौता उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय ने विश्व जल के जल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जल जीवन मिशन की मदद के लिए डेनमार्क सरकार के साथ साझेदारी की है। ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार और डेनमार्क के बीच ये समझौता हुआ है जल जीवन मिशन के लिए। और जल जीवन मिशन जो कार्यक्रम है ये केंद्र सरकार की योजना है, इसे ध्यान रखिएगा। और इस योजना के अंतर्गत जो जल का जो नल जो लगाने का कार्य है वो बिहार इस मामले में सबसे पहला राज्य है, मतलब इस मतलब कि ऐसा करने वाला पहला राज्य है जो कि ज्यादा कनेक्शन अभी तक दे चुका है। ये भी ध्यान रखिएगा, मैं ऑलरेडी ये आपको बता चुका हूँ। अभी अभी बात है उत्तर प्रदेश की, ये मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति है भारत के मैप में। और उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है और यह भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उपखंड भी है। 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में इसे स्थापित किया गया था और ब्रिटिश शासन काल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, ये भी ध्यान रखेगा, जो कि 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। राजधानी लखनऊ है जो कि राज्य का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा है। पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी है। एक ही चीजों को बार बार पढ़ने से ये होती है कि आपको ये याद रहेगा, आप इसे भूल के भी गलती नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे रिवाइज के तौर पर आपको रोज यहाँ पे दिखाता हूँ। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत पाकिस्तान अस्थायी सिंधु आयोग की बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई है? हाल ही में भारत पाकिस्तान अस्थायी सिंधु बैठक की बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा नई दिल्ली। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल बंटवारे के संबंध में चर्चा करने के लिए 23-24 मार्च को नई दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया जा चुका है। ठीक है, किया गया। यह बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तान सरकार का प्रतिनिधित्व मंडल 22 मार्च को दिल्ली आया था। ये ध्यान रखेगा कि सिंधु नदी का जो जल विवाद है उसे ही मतलब बंटवारे पर संबंधित चर्चा के लिए पाकिस्तान से लोग 22-23 मार्च को जो वहां के प्रतिनिधि थे ये आए थे 22 मार्च को नई दिल्ली। आपको ध्यान रखना ये जो मतलब बैठक हुआ ये नई दिल्ली में हुआ। चलिए, इसका हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे 15वां प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है ये 23 मार्च को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, तो यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, ये बी सी नहीं बल्कि ये बी हो जाएगा, क्योंकि जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस है ये 23 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमेशा ही उत्तर होगा। हाल ही में 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है और इसे मनाने का उद्देश्य मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
23 मार्च 1950 को मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की गई थी। ये ध्यान रखिएगा, 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के प्रश्न की ओर। इस वीडियो का जो प्रश्न है कि हाल ही में 22 मार्च को बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। अगर आपने पिछले वीडियो को हमारे देखे हैं तो वहीं से ये प्रश्न है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 22 मार्च को बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। और रही बात यहाँ पर टेस्ट सीरीज की, पेड ग्रुप की, जो भी चीजें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको कि अगर आप ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर हमारा है, इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें आप P21 लिख के मैसेज करें। आप चाहें तो इसके बारे में हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको 399 रुपया इसके पाने के लिए प्राप्त करना होगा, पेड करना होगा। और ये जो है वन टाइम पेमेंट है जो कि 31 दिसंबर 2021 तक के लिए वैलिड है। जब आप ये पेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पर पेड ग्रुप का लिंक मिलेगा जिसमें आप इसे ज्वाइन करके ये तमाम चीजों का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, ये आपका 1 साल का मेंबरशिप है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो का मैं टारगेट दे रहा हूँ 200 लाइक। हमें इस वीडियो में कम से कम 200 लाइक चाहिए। आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अगर वीडियो से सच में हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ जरूर इसे शेयर कीजिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए थे आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको BPSC सहित बिहार में आयोजित होने वाले जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी की यहाँ पर स्टडी मटेरियल आपको कम्प्लीट यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।